हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर मोटरोला मोबाइल में प्ले स्टोर पर पेंडिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे इसे 100% ठीक करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको आ जाना है थोड़ा नीचे, और यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी ऐप मैनेजमेंट, ऐप मैनेजर या ऐप नाम की, जहां पर सभी ऐप रहते हैं। तो दोस्तों, आपको इस सेटिंग पर क्लिक कर देना है। देखिए, मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ऐप लिस्ट या मैनेज ऐप नाम का सेटिंग मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद लोडिंग होकर सभी ऐप्स यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर आ चुके हैं। अब आपको सर्च बार में क्लिक करके लिखना है गूगल। तो जैसे आप गूगल लिखेंगे तो यहाँ पर गूगल प्ले सर्विसेज आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। या फिर आप इसी में नीचे आएंगे जी पर, तो यहाँ पर मिल जाएगा गूगल प्ले सर्विसेज, इस पर क्लिक करना है। फिर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको क्लियर डेटा, और फिर आपको यहाँ पर क्लियर डेटा और ओके कर देना है। फिर आपको बैक आना है, और देखिए फिर आपको गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करना है, या फिर आप पहले ही गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करना, फिर स्टोरेज यूजेज और यहां से क्लियर डेटा और ओके कर देना। फिर आप देखिए दूसरे वाले पे क्लिक कर देना, गूगल प्ले सर्विस को यहां से कर देना। तो दोनों को क्लियर डेटा करने के बाद बैक आना है, और अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है, या रिबूट या रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। अब गाइस, इतना करने के बाद प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन होगा, फिर आपको देखिए क्या करना है। सर्च बार में क्लिक करके टाइप कर देना है जो भी ऐप आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, और यहाँ पर देखिए ऐप तो आ चुका है। चलिए इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, और अभी यहाँ पर देखना गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम थी सब सही हो चुकी है 100%, और इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।